नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल था एक्सीलेंस क्लासेस में। पिछली कुछ वीडियोस में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से रिलेटेड एंड उनके कुछ प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, आज हम कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देखने के बाद उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आती है आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 3 एंड 3 अपॉन 4 फाइंड sec थीटा माइनस cosec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने जब फॉर्मूलेस की बात की थी तो आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी हमने, तो cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा अपॉन sec थीटा होता हमारा, या हम कह सकते हैं cot थीटा इक्वल टू cot थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू cosec थीटा होता है हमारा। ये हमने जब फॉर्मूलेस पढ़ाए थे तो हमने बताया था, आप हमारी पिछली वीडियोस में देखिए। तो हमें क्या करना है, हमें cot थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम sec से डिवाइड कर दें तो हमारा cot थीटा बनेगा, cosec थीटा अपॉन sec थीटा। तो हम क्या करते हैं, जो हमें फाइंड करना है उसको लेते हैं, sec थीटा माइनस cosec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। देखिए हम क्या करेंगे, यहां से sec कॉमन लिया, यहां से sec कॉमन लिया, तो sec से sec तो कट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, सॉरी 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो हम क्या करते हैं, sec कॉमन ले लेते हैं दोनों में, 1 माइनस cosec थीटा अपॉन sec थीटा, एंड यहां से sec थीटा जब कॉमन आएगा तो ये बनेगा 1 प्लस cosec थीटा अपॉन sec थीटा, ये बनेगा हमारा। यहां से हम sec से sec कट गया हमारा, cosec अपॉन sec क्या बनेगा हमारा cot थीटा, देन 1 माइनस cot थीटा अपॉन 1 प्लस cot थीटा। अब हम डायरेक्ट cot थीटा की वैल्यू इसमें प्लेस कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस 3 अपॉन 4 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4। जब हम एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे ये बचेगा हमारा 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 माइनस 3 हमारा हो गया 1, 4 प्लस 3 हो गया 7 अंडर रूट में, तो इसका आंसर आ गया 1 अपॉन रूट 7। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, हमें cos थीटा गिवन था 3 अपॉन 4, हमें फाइंड करना है रूट sec थीटा माइनस cosec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो जब हमने फॉर्मूले पढ़ाए थे, आइडेंटिटी पढ़ाई थी cot थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू cosec थीटा, तो हमें cot थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम इसको हम cot थीटा बना सकते हैं। जब हम sec से इसको डिवाइड कर देंगे तो cosec अपॉन sec बनेगा cot थीटा। तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से sec थीटा कॉमन ले लिया, यह बना हमारा 1 माइनस cosec अपॉन sec 1 प्लस cosec अपॉन sec, sec से sec खत्म, 1 माइनस cot थीटा में 1 प्लस cot थीटा। हम cot थीटा की डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर सकते हैं इसमें, 1 माइनस 3 अपॉन 4 1 प्लस 3 अपॉन 4। एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 4, 4 माइनस 3 अपॉन 4 एंड 4 प्लस 3 अपॉन 4, 4 से 4 हमने काट दिया डायरेक्ट लिख दिया हमने, 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 1 अपॉन रूट 7, और हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन रूट 7। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ
tan theta equal to 12 upon 13 point 2 sin theta point 2 sin theta cos theta upon cos square theta minus sin square theta. देखिए अब तो हमें tan थीटा गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. इसके दो तरीके हैं. एकेडमिक वाले क्या करें, tan थीटा से परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन है हमको, हाइपोटेनियस से हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं sin थीटा cos थीटा की. एंड कंप्लीशन वाले क्या कीजिए, tan थीटा क्या होता है हमारा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 13. तो हम sin थीटा की वैल्यू मान सकते हैं 12 एंड cos थीटा के 13 के, एक कांस्टेंट है कोई भी, जैसे जब वो कटा होगा तभी 12 अपॉन 13 रेशियो बना होगा हमारा. तो हम यहां sin थीटा की वैल्यू 12 के cos थीटा की वैल्यू 13 के पुट करेंगे. sin थीटा की वैल्यू 12 के cos थीटा की वैल्यू 13 के cos स्क्वायर थीटा यानी कि 12 के का स्क्वायर सॉरी 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर. अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको k लिखने की कोई नीड नहीं है. k मैंने इसलिए बताया है कि जो नए बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो इसका इनटू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 12 इंटू 13 इंटू के स्क्वायर. नीचे 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर. डिनोमिनेटर से हम के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचा हमारा 2 इंटू 12 इंटू 13 अपॉन इंटू के स्क्वायर अपॉन 169 माइनस 144 के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया हमारा. अब ऊपर वाली वैल्यू इसके इंटू कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. आप इसे नोट कर लीजिए. चलिए अब इसे एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं. हमें tan थीटा जो है ना 12 अपॉन 13 पॉइंट 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो हमने sin थीटा ले लिया 12 के, cos थीटा ले लिया 13 के, अलग अलग. हमने क्या किया, sin और cos की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी. sin थीटा 12 के, cos थीटा 13 के, cos स्क्वायर थीटा यानी 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर. तो 2 इंटू 12 इंटू 13 के इंटू के स्क्वायर हो गया, 13 के का स्क्वायर हो गया 169 के स्क्वायर, 12 के का स्क्वायर 144 के स्क्वायर. के स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लिया, के स्क्वायर से के स्क्वायर खत्म, माइनस कर दिया 25, ऊपर वाली वैल्यू इसका इंटू कर दिया 312. ये तो था कंप्लीशन के हिसाब से. अगर इसे आप अकेडमिक वाले बच्चे हैं सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करें, डायरेक्ट tan थीटा हमें गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हम हाइपोटेन्यूस इससे फाइंड कर लेंगे. हाइपोटेन्यूस जो भी आएगी फिर sin थीटा cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू सॉल्व हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है, जो कि हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया था उसी तरीके से होगा. ए cos थीटा इक्वल टू 7/8 फाइंड 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा.
ये आप लोगों को सॉल्व करना है, बता देते हैं कैसे करना है, फिर आप कीजिएगा। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, कॉट का स्क्वायर यानी कि 7 अपॉन 8 का स्क्वायर 49 अपॉन 64। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। फाइंड tan थीटा, ये हमें फाइंड करना है tan थीटा। तुम जानते हो टेन थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है इसको साइन अपॉन कॉस में लेके आना कैसे भी, तो हम क्या करें कॉस कॉस वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं, साइन वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। हमने क्या किया, कॉस वाले एक साइड में ले लिए और साइन वाले एक साइड में ले लिए। 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा हो गया हमारा cos थीटा, साइन थीटा प्लस 4 sin थीटा हो गया हमारा 5 sin थीटा। अब हमें चाहिए साइन अपॉन cos, तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन 5 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आ गया हमारा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 10 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 5, ये हमारा आंसर। अब इसको एक बार एक्सप्लेन और कर देते हैं, हमें क्या बना है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। फाइंड tan थीटा, हमें tan थीटा फाइंड करना, तो tan थीटा क्या होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमें ये इक्वेशन जो भी है हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा sin अपॉन cos आ जाए। वो क्या कैसे करेंगे, हम sin वाले टर्म को एक साइड में ले जाएंगे, cos वाले टर्म को एक साइड में रखेंगे। तो इधर से 2 cos थीटा जब इस साइड में आया तो माइनस का हो गया, इधर प्लस का था। इधर से 4 माइनस 4 sin थीटा जब अपनी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो ये प्लस का हो गया। देन 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा हो गया cos थीटा, साइन प्लस 4 साइन हो गया 5 साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 साइन अपॉन cos, तो tan थीटा आ गया हमारा 1 अपॉन 5। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड टेन थीटा। हमें टेन थीटा फाइंड करना है, हमें साइन थीटा गिवन है, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये वैल्यू हो गई हमारी परपेंडिकुलर की एंड ये वैल्यू हो गई हमारी हाइपोटेनियस। हमने ट्राइंगल बनाया, ए बी सी ये थीटा, तो ये हो गई हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो गई हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें बेस फाइंड करना है, तो इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी,
बाय पाइथागोरस, यहाँ लिखेंगे हम बाय पाइथागोरस। अकेडमिक वाले कंपटीशन वाले डायरेक्ट कर लीजिए इसको, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए की पावर फोर बी की पावर फोर, ए की पावर फोर बी की पावर फोर, दोनों साइड में प्लस की थी वैल्यू इसलिए कट हो गई। टू ए बी स्क्वायर यहां से उठ के यहां आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो जब हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर आएगा रूट। जब हम रूट सॉल्व करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में निकलती है, लेकिन हम लेंगे प्लस। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता हमारा, तो हम इसका जो रूट निकलेगा वो निकलेगा टू ए बी। ये वैल्यू निकलने को निकलती है प्लस और माइनस दोनों में, हम लेंगे यहाँ केवल पॉजिटिव क्योंकि ये हम नेगेटिव नहीं ले सकते। तो टू ए बी आ गई हमारी ए बी। अब हमें क्या सब फाइंड करना है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बेस हो गया टू ए बी। ये आ गया हमारा आंसर। एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें साइन थीटा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें टेन थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हमें बेस चाहिए। तो बेस कैसे निकालेंगे, बेस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए स्क्वायर ए की पावर फोर बी की पावर फोर, ए की पावर फोर बी की पावर फोर कट हो गए क्योंकि दोनों साइड में ये वैल्यू प्लस की। 2ab, 2a स्क्वायर b स्क्वायर इस साइड से साइड में आया तो ये हो गया हमारा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। हमें ab का स्क्वायर गिवन है, हमने ab निकाला, इसके ऊपर रूट आ गया, रूट में वैल्यू निकलेंगी दोनों प्लस और माइनस। माइनस हमको लेना नहीं है इसलिए हमने प्लस की ली 2ab। tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन वन डिग्री, टेन टू डिग्री अप टू टेन एट्टी एट डिग्री, टेन एट्टी नाइन डिग्री। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं कंपटीशन में या अकेडमिक दोनों मिलते हैं। तो हम जानते हैं कि टेन इंटू कॉट होता है हमारा वन। अगर हम एक वैल्यू को किसी को भी कॉट में चेंज कर लें, और हम जानते हैं कि टेन थीटा होता है हमारा कॉट 90 माइनस थीटा, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेन वन से टेन 44 तक या टेन 46 से टेन 89 तक हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो जब हम चेंज करेंगे टेन वन को, हम चेंज कर रहे हैं टेन एट्टी नाइन को चेंज कर रहे हैं जैसे, तो टेन एट्टी नाइन क्या होगा हमारा कॉट वन हो जाएगा, क्योंकि टेन एट्टी नाइन को हम क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 89। टेन एट्टी नाइन को हम लिख सकते हैं जैसे कॉट 90 माइनस 89, तो ये क्या निकलेगा हमारा कॉट वन। इसी तरह से टेन एट्टी एट को हम क्या लिख सकते हैं कॉट
90 माइनस 88, तो ये निकलेगा हमारा cot 2 डिग्री, ये निकलेगा हमारा cot 2। इसी तरह से tan 1 से लेकर tan 44 तक और tan 40 से लेकर tan 89 तक, तो हमने tan 46 से लेकर tan 89 तक जो हम चेंज करेंगे वो सब कट जाएंगे। जैसे ये आया हमारा tan 1, tan 2 अप टू, बीच में आती है tan 45, ये चेंज नहीं होगी। tan 45 से लेकर जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cot 2 डिग्री, cot 1 डिग्री। तो tan 1 से cot 1, tan 2 से cot 2, इसी तरह से tan 44 तक सारी वैल्यूज कट हो जाएंगी। tan 44 कट हो जाएगा जो यहाँ cot का टर्म आया था उससे, हमारे पास बचेगा केवल tan 45 और हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1। अगली बार जब आप करोगे इस क्वेश्चन को तो आप देखकर ही आंसर पता लगा लोगे। अगर इस तरह का कोई सीक्वेंस गिवन है आपको tan 1, tan 2, tan 3, tan 4 अप टू tan 89 तक, तो tan 44 तक सारी वैल्यूज कट हो जाएगी। कैसे भाई? मान लो जब हम एंगल चेंज करेंगे tan 46 से, अगर हम चेंज करें तो tan 46 चेंज हो जाएगा हमारा cot में, tan 47 चेंज हो जाएगा cot में, अप टू tan 89 तक हमारा cot में चेंज हो जाएगा, cot 1 cot 2 में सारी वैल्यूज कट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा केवल 1045, 1045 की वैल्यू होती है 1। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 1015 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 cot 75 प्लस 1075 cot 15। इसकी वैल्यू हमें फाइंड कर लीजिए। ठीक, हमारे पास 1015 की वैल्यू गिवन है, तो जो हमारे cot के टर्म है एक cot 75 को हम 10 में चेंज कर सकते हैं। हमें 1015 गिवन है, हम cot 15 भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि cot 15 भी हमें नहीं यहाँ पड़ेगी। तो 1015 से cot 15 फाइंड करते हैं। देखिए 1015 है हमारा 2 माइनस रूट 3, cot 15 क्या होगा हमारा 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, रेसिप्रोकल हो जाती है, 10 इक्वल टू 1 अपॉन cot होता है। अब हम इसको करेंगे रेशनलाइज, तो 2 प्लस रूट 3। अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, यानी कि 2 प्लस रूट 3 आ गया हमारे पास cot 15 की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 1015 cot 75 को हम चेंज कर लेंगे, 1095 हमारा चेंज हो जाएगा 1015 में, ऐसे ही इधर ये चेंज हो जाएगा हमारा cot 15 और ये भी cot 15। कैसे चेंज हुआ ये आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, cot 75 है, cot 75 कैसे आया होगा 1090 माइनस थीटा, यानी कि 1090 माइनस 75, 1090 माइनस 75 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1015। इसी तरह से ये 1075 चेंज हो गया हमारा cot 15, तो 10 स्क्वायर 15 प्लस cot स्क्वायर 15। टेन की वैल्यू और cot की वैल्यू इसमें प्लेस कर दीजिए,
टेन की वैल्यू टू माइनस रूट थ्री, तो ये हो गया टू माइनस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, माइनस फोर रूट थ्री प्लस फोर रूट थ्री करो, फोर प्लस थ्री सेवन और सेवन फोर्टीन, ये हमारा आंसर है इसका। चलिए एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। हमें टेन फिफ्टीन की बने टू माइनस रूट थ्री, हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेन फिफ्टीन कॉट सेवेंटी फाइव प्लस टेन सेवेंटी फाइव कॉट फिफ्टीन की। तो हमारे पास टेन फिफ्टीन की बने, हम कॉट फिफ्टीन निकाल सकते हैं इससे। हमने टेन फिफ्टीन की वैल्यू से कॉट फिफ्टीन निकाला वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री, इसको फिर हमने रेशनलाइज किया टू प्लस रूट थ्री से ऊपर नीचे इंटू, तो वन इंटू टू प्लस रूट थ्री हो गया टू प्लस रूट थ्री, ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, फोर माइनस थ्री वन, तो वैल्यू आ गई हमारी कॉट फिफ्टीन की टू प्लस रूट थ्री। अब हमने क्या किया, कॉट सेवेंटी फाइव को हमने चेंज किया टेन फिफ्टीन, टेन सेवेंटी फाइव को चेंज किया कॉट फिफ्टीन, तो टेन फिफ्टीन टेन फिफ्टीन हो गया टेन स्क्वायर फिफ्टीन, कॉट फिफ्टीन इंटू कॉट फिफ्टीन हो गया हमारा कॉट स्क्वायर फिफ्टीन, टेन की वैल्यू प्लस कर दी कॉट की वैल्यू प्लस कर दी, टू माइनस रूट थ्री स्क्वायर प्लस टू प्लस रूट थ्री स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, माइनस फोर रूट थ्री प्लस फोर रूट थ्री खत्म, फोर प्लस थ्री सेवन और सेवन फोर्टीन। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर टेन प्लस साइन स्क्वायर फिफ्टीन अप टू प्लस साइन स्क्वायर एट्टी फाइव प्लस साइन स्क्वायर 90, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन है हमारे पास सेवन एंड हाफ, एट एंड हाफ, नाइन, नाइन एंड हाफ। अब इसमें क्या होगा, एक आइडेंटिटी लगेगी। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, सभी ने पढ़ा। तो और जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन थीटा को हम चेंज करेंगे तो ये होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर टेन प्लस साइन स्क्वायर फिफ्टीन प्लस साइन स्क्वायर ट्वेंटी प्लस साइन स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस साइन स्क्वायर थर्टी, इस तरह से हम वैल्यूज को करेंगे तो 45 के बाद, साइन 45 के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कॉस में चेंज करेंगे, क्या करेंगे कॉस में चेंज। साइन 45 के बाद आएगा साइन 50, साइन 50 क्या हो जाएगा हमारा कॉस 40 प्लस 55, 55 को जब हम चेंज करेंगे तो कॉस 35। इसी तरह से सारी चेंज हो जाएंगी अप टू साइन स्क्वायर 85 तक, कॉस स्क्वायर 5, साइन 90 हमारा साइन 90 रहेगा, साइन स्क्वायर 90। अब देखिए क्या हुआ, साइन 5 से लेके साइन 40 तक की सारी वैल्यूज हमारी चेंज हो गई, सारी वैल्यूज साइन 5 से साइन 40 तक ऐसी रही, साइन 50 से हमने चेंज की साइन 85 तक। अब देखिए आइडेंटिटी जो होती है उसमें साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 वन, टेन वाला भी वन, फिफ्टीन वाला भी वन, ट्वेंटी वाला भी वन, ट्वेंटी फाइव वाला भी वन,
30V1, 35V1, 40V1, 40 हमारा यहां तक हमारे 1 हो गए सारे। हमारे पास बचा क्या, साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90, ये कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90। साइन 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो 8 प्लस 9 प्लस हाफ, तो ये कितना आ गया हमारा 9 हाफ, ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 अप टू हमें क्या होना है साइन स्क्वायर 90 तक। हमने क्या किया, 45 से पहले तो हमने एज इट इज वैल्यू रखी, साइन स्क्वायर 45 तक हमने सेम रखा, साइन स्क्वायर 50 से हमने साइन स्क्वायर 85 तक हमने सारी वैल्यूज को चेंज कर दिया। एंगल से चेंज हो गई, 50 वाली हो गई कॉस स्क्वायर 40, 55 वाली हो गई कॉस स्क्वायर 35, इसी तरह से साइन स्क्वायर 85 हो गई हमारी कॉस स्क्वायर 5। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 5 की दोनों जो 5 है हमारा फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म मिलकर 1 हो गया। यहां से सेकेंड टर्म, यहां से थर्ड लास्ट टर्म जो आएगा हमारा वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से 15 वाले 20, 25, 30, 35, 40 ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी 1। तो ये 1 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर 45 एंड साइन स्क्वायर 90। तो 8 साइन स्क्वायर 90 का 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस हाफ 9 1/2, नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वल टू 3 गिवन है एंड जो थीटा है हमारा थीटा लेस देन 90, जो थीटा है हमारा वो 0 से 90 में गम करता है, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज देन वैल्यू ऑफ थीटा इज ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन 30 डिग्री, बी ऑप्शन 45 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री, एंड डी ऑप्शन 90 डिग्री। ये हमें ऑप्शन गिवेन, ठीक हमें थीटा फाइंड करना है यहाँ पर। हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमें गिवन है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा को हमने कॉस अपॉन साइन में चेंज कर दिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा रहा। एलसीएम लिया हमने तो साइन हमारा ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस, जब हम इसमें से चलिए हम कर देते कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा,
डिनोमिनेटर से हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, नीचे बना हमारा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, हम जानते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री, और साइन अपॉन कॉस होता है हमारा टेन थीटा, तो ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा। अब 10 के अंदर रूट थ्री वैल्यू किस एंगल पर होती है, 1060 पर, तो थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 60 डिग्री। दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, हमें क्वेश्चन गिवन था इफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री, और हमारा जो थीटा है वो लाई कर रहा है हमारा 0 से लेकर 90 डिग्री तक, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस हमारे पास गिवन थे 30, 45, 60 एंड नन ऑफ दीज। तो हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा को हमने कॉस अपॉन साइन में चेंज किया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर से हमने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया हमारा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री। हमने इसका रूट निकाल लिया तो टेन थीटा आ गया हमारा रूट थ्री, और रूट थ्री हमारी टेन के अंदर होती है 1060 की वैल्यू, तो थीटा आ गया हमारा 60 डिग्री। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इक्वल टू 10 11 इंटू 10 29 एंड बी इक्वल टू 2 cot 61 इंटू cot 79 देन, ऑप्शन है हमारे ए इक्वल टू 2b, बी ऑप्शन, ए इक्वल टू -2b, सी ऑप्शन 2a इक्वल टू b एंड डी ऑप्शन -2a इक्वल टू b। हम लिख लेते हैं, ए हमें गिवन है 10 11 डिग्री इंटू 10 29 डिग्री एंड बी हमको गिवन है 2 cot 61 डिग्री cot 79 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एंगल्स को चेंज करेंगे। cot 61 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 29 लिख सकते हैं, क्यों देखिए cot थीटा है, तो ये क्या आया होगा हमारा 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस 61 कितना आ जाएगा 29। तो cot 61 को हम लिख सकते हैं 10 29, इसी तरह से हम cot 79 को लिख सकते हैं हम 10 11। तो ये क्या हो गया हमारा b इक्वल टू 2 10 29 और ये 10 11। 10 29 into 10 11 हमको गिवन है a, तो ये हो गया हमारा रिलेशन b इक्वल टू 2a, b इक्वल टू 2a, ऑप्शन c।
चलिए हम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है इफ ए इक्वल टू 10 11 10 29 एंड बी इक्वल टू 2 cot 61 into cot 79। ऑप्शन थे हमारे पास ए इक्वल टू 2b इक्वल टू -2b, 2a इक्वल टू b एंड -2a इक्वल टू b। हमने क्या किया, किसी भी एक को चेंज कर लीजिए आप, चाहे इसको चेंज कर लीजिए चाहे उनको चेंज कर लीजिए। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cot 79 एंड ये cot 61। ये किसकी वैल्यू हमारी b अपॉन 2 की हो जाएगी, तो 2a इधर आके तो 2a * b हो जाएगा, 2a इक्वल टू b हो जाएगा। हमने क्या किया इसमें, इसको चेंज किया हमने, cot 61 को चेंज किया हमने 10 29, cot 79 को चेंज किया हमने 10 11 डिग्री। 10 29 इंटू 10 11 हमको गिवन है ए, तो 2a b इक्वल टू 2a हमारा रिलेशन आ गया। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ साइन 17 डिग्री इक्वल टू एक्स अपॉन वाई देन द वैल्यू ऑफ sec 17 माइनस साइन 73। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसके ऑप्शंस गिवन है हमको ए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड ऑप्शन डी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें ऑप्शंस गिवन है एंड ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें साइन 17 गिवन है तो हम सारी वैल्यू 17 में ही चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, जो साइन 73 है हमारा इसको हम 17 में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos 17। sec 17 को हम लिख सकते हैं cos 1 अपॉन cos 17, ये हम sec 17 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। sec 17 को लिख लिया हमने 1 अपॉन cos 17, एलसीएम लिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर 17 अपॉन cos 17। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है हमारा sin स्क्वायर थीटा, यानी कि sin स्क्वायर 17 अपॉन cos 17। हमें sin 17 गिवन था, हम ट्राइंगल से बाकी की जो हमारा थर्ड वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस ए बी सी, ये हमारी एक्स एंड ये हमारी वाई, पी साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यू क्या आई हमारी, ये वैल्यू आई हमारी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बेस आ गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर 17 की वैल्यू तो हम एज़ इट इज़ रख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, कॉस 17 की वैल्यू क्या होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, देन फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक वाई से एक वाई खत्म, आंसर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन है हमारा बी।
चलिए एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें साइन 17 गिवन था, वैल्यू हमें फाइंड करनी है sec 17 माइनस sin 73। तो sin 73 को हमने चेंज कर लिया cos 17 एंड sec 17 को लिख लिया हमने 1 अपॉन cos 17। एलसीएम ले लिया, ये बन गया हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर 17 अपॉन cos 17। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है हमारा sin स्क्वायर थीटा, यानी कि sin स्क्वायर 17 अपॉन cos 17। बाय पाइथागोरस हमने बेस फाइंड कर लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है, तो x परपेंडिकुलर हो गया, y हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस आ गया हमारा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो sin 17 की वैल्यू हमें गिवन है x अपॉन y, तो sin स्क्वायर 17 की हो गई x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। cos 17 की वैल्यू हमने पुट कर दी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन y। फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड की हमने x स्क्वायर इंटू y अपॉन y स्क्वायर अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y से y एक पावर खत्म हो गई हमारी, हमारा आंसर आ गया x स्क्वायर अपॉन y अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूलेस की और उसके क्वेश्चंस की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो होगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप उसे देख पाएंगे। ओके, थैंक यू।